अस्सलाम वालेकुम क्लास, हेयर इज़ अनदर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज़ वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं आप, वाटर को बैलेंस करना। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज वाटर को बैलेंस करना प्लांट या एनिमल सेल्स की लाइफ का सबसे मेन प्रोसेस होता है। बिकॉज हमें पता है कि वाटर इज़ एन ओपन सिस्टम, इट डील्स विद द मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑल द टाइम। ठीक है, हर वक्त इसके अंदर कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड टॉप ऑफ द लिस्ट वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, सो इट्स वाटर को बैलेंस करना प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसी वाटर को बैलेंस करते हुए प्लांट और एनिमल के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनिमल सेल्स को, कि एनिमल सेल में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह से वाटर को बैलेंस रखता है, और वाटर को बैलेंस रखते हुए उसे किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हम बाद में डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को, कि किस तरह से प्लांट इन सारी सिचुएशंस में काम करता है। फिर है जी वो सिचुएशंस या वो कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, सो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो भी प्रोसेस हमारे पास आता है वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज़ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस करते हुए हमें एक और टर्म्स देखने को मिली थी, दैट वाज टॉनिसिटी। और उस टॉनिसिटी ने हमें तीन मजीद टर्म्स दी थी, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक। अब हम इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन अप्लाई करेंगे ऑन द एनिमल सेल और फिर ऑन द प्लांट सेल। ठीक हो गया। जैसे सबसे पहली सिचुएशन है हमारे पास आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की या आइसोटॉनिक एनवायरनमेंट की। अगर आप अपने एनिमल सेल को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जिसमें कि आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है, या आपको हो कि जितना सॉल्यूट जो है वो आपके सेल के अंदर है उतना ही सॉल्यूट जो है वो सेल से बाहर भी है, तो फिर जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर जाएगा। सो ये आइसो मीन सेम कंसंट्रेशन पे आ जाएगी बात। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन एन एनिमल सेल सच एज अ रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन अ आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, एक जैसा रहता है। बिकॉज द रेट एट विच द वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट। यू कैन सी दिस डायग्राम कि जिस रेट से वाटर अंदर आ रहा है उसी रेट से वाटर बाहर जा रहा है। यहाँ पे रेट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि रेट का मतलब यहाँ पे पैसों का रेट नहीं है, रेट का मतलब शरा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी अमाउंट वाटर के अंदर आ रही है और उसी पैसेज ऑफ टाइम में कितनी अमाउंट वाटर की बाहर जा रही है। ठीक है, या आपने फिजिक्स में भी टर्म सुनी होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है फॉर द एनिमल सेल, दैट इज़ हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, कि अगर एनिमल सेल ऐसे सॉल्यूशन में या ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जो कि हाइपोटॉनिक है, हाइपोमीन स्मॉल या हाइपोमीन लेसर या हाइपोमीन लोअर। ठीक है, आपने पीछे ये सारा पिछले वीडियो में देखा होगा। हाइपो अगर लोअर कंसेंट्रेशन है सेल के बाहर, क्लियर, सेल के बाहर अगर लोअर कंसेंट्रेशन है और सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन है, सो वाटर ऑलवेज वांट्स टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी हाइपो से हाइपर की तरफ आएगा। इट्स मीन सेल के बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो क्या होता है, When cell is placed in a hypotonic solution, water enters and cell swells and rupture like an overfilled balloon. जैसे एक बैलून में गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरें तो वो बस्ट हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से अगर एनिमल सेल में ज़रूरत से ज़्यादा वाटर की एंट्री हो जाए तो वो भी बस्ट हो जाता है। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस डायग्राम, कि ये हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है बाहर और सेल उसके अंदर मौजूद है, जैसे ही इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वाटर एंटर हो गया तो ये रप्चर हो गया, ये बस्ट हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास फॉर द एनिमल सेल, दैट इज़ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन।
हाइपर का मतलब कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर वाटर की सॉरी सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है. सो वाटर ऑलवेज वांट्स टू मूव फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. सो ये अब सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, एनिमल सेल प्लेस्ड इन एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज. ठीक है, अगर पानी निचोड़ दिया जाए किसी भी चीज़ में से तो वो श्रिंक हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इस डायग्राम में देखें कि बाहर हाइपर है अगर तो सेल जो है वो अपना पानी बाहर दे रहा है जिसकी वजह से खुद वो श्रिंक हो गया है. ठीक है, सो इस नतीजे पे हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं कि एनिमल सेल जो है उसको दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. आइसो में वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन हाइपोटोनिक जैसी होती है तो एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर के चांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको बस्ट होने का ख़तरा होता है. सो हाइपर में क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर के चांसेस होते हैं जिसमें उसको श्रिंक होने का ख़तरा होता है. सो ये दोनों कंडीशंस जो हैं उसके बैलेंस को प्रॉब्लम करती हैं, और इन दोनों कंडीशन से निपटने के लिए सेल हर वक्त जो है वो काम में लगा रहता है जस्ट टू मेंटेन इट एट द आइसोटोनिक लेवल और आइसोटोनिक सिचुएशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट सेल. प्लांट सेल जो है वो आपको पता है एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसके बाहर बहुत रिजिड किस्म की एक सेल वॉल होती है. ठीक है, सो ये सेल वॉल जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन में उसको एटलीस्ट रप्चर नहीं होने देगी, जैसे कि एनिमल सेल बस्ट हो गया था, जैसे बलून बस्ट हो जाता है बिल्कुल उस तरह से एनिमल सेल बस्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल उस तरह से बस्ट नहीं होता. क्या होता है फिर, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इस सारे प्रोसेस को. ठीक है, अगर हाइपो आपको समझ आ जाएगा प्लांट सेल में तो बाकी समझना मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह. सो हाइपो मीन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द सेल. ठीक है, सेल के बाहर की बात हो रही है कि कंसंट्रेशन जो है वो कम है. सो वाटर जो है वो फिर क्या करेगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा ना. सो वाटर मूव्स फर्स्ट इनसाइड द सेल एंड देन इनसाइड द वैक्यूल. यहाँ पे सेल अकेला तो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है जो कि वाटर को वेलकम कर रहा है. ठीक है, सो पहले सेल के अंदर जाएगा और फिर वैक्यूल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा. फिर क्या होगा जी, वैक्यूल इंक्रीजेस इन साइज. अल्टीमेटली जब पानी आता जा रहा है तो सेल इंक्रीज नहीं हो रहा, उसका वैक्यूल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसलिए बर्स्ट के चांसेस कम है. सो साइटोप्लाज्म प्रेसेस अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल वॉल. तो क्या होगा, जैसे ही वैक्यूल बड़ा होना शुरू होगा तो उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, तो साइटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, तो फिर वही प्रेशर साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल की इंटीरियर सरफेस पे अप्लाई करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, प्लांट सेल डजंट रप्चर, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड है, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, वो सेल की शेप को मेंटेन रखती है, और यहाँ पे वो प्रोटेक्शन दे रही है कि जो भी अंदर धक्कम पेल हो रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है, सेल को बस्ट नहीं होने दे रही. सो सेल रप्चर नहीं होता बल्कि सिर्फ क्या हो जाता है, रिजिड. ठीक है, ऐसी चीज़ जो बहुत टाइट किस्म की हो जाए या जिसमें आप कहते हैं कोई इलास्टिसिटी ना रहे, वो हमारे पास एक रिजिड फॉर्म होती है किसी भी मैटर की. सो यहाँ पे प्लांट सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर द प्लांट लाइफ. सो इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल एग्जर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर. ये जो अंदर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर. ठीक है, अब ये टर्गर जो है इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि जैसे ही पानी अंदर आ रहा है, पहले साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से वो वैक्यूल में गया और वैक्यूल बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया. देन उसने प्रेशर अप्लाई किया साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म ने प्रेशर अप्लाई किया इंटीरियर सेल वॉल पे, और इस प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, और ये जो सारा काम हो रहा है इसको कहेंगे टर्गर. ठीक है,
देन उसके बाद है हमारे पास प्लांट सेल ही को डिस्कस किया जा रहा है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को लेके, यानी जितना सोल्यूट अंदर है सेल के उतना ही सोल्यूट बाहर है। इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज फ्लैसिड। या लाइक के टर्जिडिटी जो है, मैंने अभी पीछे कहा टर्जिडिटी इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द प्लांट सेल, क्योंकि जितने भी इसने फंक्शन परफॉर्म करने हैं ये जब टर्जिड होगा तभी ये परफॉर्म करेगा। लेकिन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इतना पानी अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है इक्वल अमाउंट में। सो इतना वाटर सेल के पास नहीं होता कि वो टर्जिड हो सके और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। सो इसके पास जो सिचुएशन आती है दैट इज फ्लैसिड, यानी सेल एक ढीला सा हो जाता है जिसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे टर्जिड जो है उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती और इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, जो कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही वाटर बाहर जा रहा है। सो नेक्स्ट टर्म इज द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर का मतलब आपको पता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो सोल्यूट कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो पीछे हमने कहा था कि सेल को श्रिंक होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे भी सेल श्रिंकेज होगी और इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, जो कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है या श्रिंक हो गया है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। देन यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये कि प्लांट सेल को जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो भी दो हैं, एक आइसोटोनिक के वाटर इतना नहीं है कि वो टर्जिड हो जाए प्रॉपर फंक्शनिंग करे, दैट सिचुएशन इज फ्लैसिड, और दूसरी है हमारे पास हाइपर के एक्सेसिव लॉस हो रहा है जिसकी वजह से श्रिंकिंग हो रही है और इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।